40 से 50 करोड़ की बंपर ओपनिंग ले सकती है आदिपुरुष, ट्रेड एनालिस्ट का दावा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्राणी श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ ट्रिगर न्यूज पर। इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म आदिपुरुष के रिलीज को अब बस चंद ही दिन बचे हुए हैं। ऐसे में बॉलीवुड गलियारों समेत सोशल मीडिया पर भी फिल्म को लेकर खास बज बना हुआ है। फिल्म की ओपनिंग को लेकर कई तरह के क्योस लगाए जा रहे हैं। आइए जानते हैं इस फिल्म की ओपनिंग कलेक्शन को लेकर ट्रेड एनालिस्ट का क्या कहना है। आदिपुरुष के एडवांस बुकिंग की शुरुआत बम्पर तरीके से हो चुकी है। विंडो ओपन होते ही फर्स्ट डे फर्स्ट शो हाउसफुल दिख रहे हैं। ऐसे में ट्रेड एनालिस्ट और क्रिटिक्स इसकी तुलना पठान से कर रहे हैं। उनका मानना है एक लंबे समय से ड्राई बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से गुजर रहे बॉलीवुड को प्रभास स्टारर फिल्म आदिपुरुष से बहुत उम्मीदें हैं। फिल्म को जिस तरह मास लेवल पर प्रमोट किया जा रहा है उससे आसार यही बन रहा है कि फिल्म पठान की तरह ही मुनाफा कमाएगी। ट्रेड एनालिस्ट गिरीश गौहर के अनुसार ऑनलाइन बुकिंग तो कमाल की हो रही है, सभी भाषाओं में रिलीज होने का फायदा भी मिलेगा। पठान के दौरान 1 लाख टिकट एडवांस बुकिंग हुई थी, वहीं आदिपुरुष की जिस तेजी से बुकिंग हो रही है वो पठान को भी क्रॉस कर सकती है। देश में ही नहीं केवल यूएस में भी इस फिल्म की एडवांस बुकिंग जबरदस्त हो रही है। साउथ के जाने माने क्रिटिक्स और ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला बताते हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की जनता के बीच एक्साइटमेंट अपने उरुज पर है। प्रभास पैन इंडिया एक्टर होने से पहले तेलुगु सुपरस्टार रह चुके हैं, ऐसे में उनके होम ग्राउंड फैन फॉलोअर्स का फायदा तो उन्हें बेशक मिलेगा। इससे पहले एनिमेशन फिल्म कोचंडियान भी दर्शकों को बहुत पसंद की गई थी। आदिपुरुष के वीएफएक्स के नएपन का फायदा भी फिल्म को मिल सकता है। इसके साथ ही इस हफ्ते साउथ की कोई बड़ी फिल्म रिलीज को नहीं है, इससे फिल्मों के कलेक्शन में भी राहत है। हाँ, एक हॉलीवुड फिल्म द फ्लैश रिलीज हो रही है, हो सकता है वो थोड़ा टक्कर दे। हालांकि जितनी फिल्म के साथ कॉन्ट्रोवर्सी जुड़ी है उसका फायदा तो उसे बेशक मिलने वाला है। द केरला स्टोरी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। फिल्म का पहला दिन तो प्रभास के फैंस और धार्मिक दर्शक जाएंगे, हाँ उसके बाद कहानी क्या मोड़ लेती है वो माउथ पब्लिसिटी से तय होगा। ये फिल्म का कॉन्सेप्ट ही यूनिक है, ऐसा कभी दर्शकों ने देखा नहीं है, तो उम्मीदें ज्यादा हैं। मल्टीप्लेक्स में तो पिछले दिनों तक 10,000 से ज्यादा टिकट बिक चुकी हैं। ये ब्लॉक बुकिंग है या प्रमोशनल बुकिंग, ये तो रिलीज के दिन ही पता चल पाएगा। अगर साउथ के कलेक्शन का अनुमान लगाया जाए तो साउथ में 20 करोड़ तक जाने की उम्मीद है। जाने माने ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श कहते हैं, आदिपुरुष फिल्म को देखकर यह दावा जरूर कर सकता हूं कि इसकी ओपनिंग जबरदस्त होने वाली है। इसका सबसे बड़ा कारण है रामायण, जो हमारे लिए एक इमोशन है। हमारे जैसे करोड़ों लोग ऐसे होंगे जो फिल्म को रामायण की वजह से देखना चाहेंगे। बाद में स्टार कास्ट आती है, हमारे लिए रामायण की कहानी और उनके किरदारों को लेकर श्रद्धा है वो अहम है। हाँ, इसमें आइस ऑन द केक प्रभास है, वो एक बड़ा नाम है। फिल्म की मेकिंग पर भी जबरदस्त खर्चा किया गया है, बजट 500 करोड़ तक पहुंच चुकी है, तो इस लिहाज से ये बड़े लेवल की फिल्म है। उम्मीद तो यही है कि यह हमारे मानकों पर खड़ी उतरे। अभी तक स्क्रीन काउंट डिसाइड हुआ नहीं है, एडवांस टिकट भी अभी अभी खुली है, तो रिलीज के एक दिन पहले ही सही आंकड़ों के गणित का पता चल पाएगा। फिल्म मल्टीपल वर्जन में रिलीज हो रही है, तो इस लिहाज से फिल्म की शुरुआत हिंदी बेल्ट में 30 करोड़ की तो होनी ही चाहिए। पैन इंडिया कलेक्शन देखे तो आंकड़े 40 से 50 करोड़ तक जा सकती हैं। मैं तो सुपर एक्साइटेड हूँ, बहुत ही ज्यादा उम्मीद है इस फिल्म से, शायद ये ड्राई बॉलीवुड कलेक्शन पर बौछार ले आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर न्यूज़।